तो कोरोना के कुछ केसेस जो जिस तरह से कम हो रहे हैं वो राहत जरूर देते हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से दिल्ली से लेकर कई राज्य परेशान हैं। कई वैक्सीन सेंटर्स काफी दिन से बंद पड़े हैं। वैक्सीन की कमी पर हर राज्य इस वक्त केंद्र से गुहार लगा रहा है। ग्लोबल टेंडर के हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्लोबल टेंडर में फाइजर है, जॉनसन है, या हमारा जो एस्ट्राजेनिका है, यह सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, लेकिन उसमें कई क्वेरीज है। जैसा कि कुछ लोगों ने चार रेट में लिखा है, खरीदी हम बेचेंगे, उसके बारे में स्पष्टता नहीं है। दूसरा यह भी है कि शेड्यूल हम किस तरह से, कौन से महीने में कितना हम देंगे, उसके बारे में लिखा नहीं है। तो ये सभी बातें जो है हम उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये मांग है। 3,25,00,000 बेनिफिशरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6,50,00,000 तो सीधा सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 7,75,00,000 डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में? पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए, हमारे यहाँ भी इसी ग्लोबल टेंडर खुला, ग्लोबल टेंडर में गए कि पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ग्लोबल टेंडर में जाएं। इसमें कोई विवाद नहीं है, और उपलब्धता तो बस वही है कि ऊंट के मुंह में जीरा। उपलब्धता यही है कि हमने 1,00,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5,00,000 के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। और दूसरा है कि अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? 400 सेंटर यूथ के लिए जो थे वो बंद हो गए हैं, क्या आगे कुछ बात हो रही है, कब तक वैक्सीनेशन? देखिए, 18 यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिला जाए। जितनी वैक्सीन हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको मिल नहीं रही, जिड़ी के बहुत ही असल चिंता का विषय है। असी तकरीबन रोज़ हैंड टू माउथ हो जाने हैं, तो सानू जिन्नी को मिलती है उस 12-1 बजे तक सारे पंजाब दे विच लाउंदे, उस तो बाद फिर खत्म हो जाती है। किन्ने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 46-47 लाख लोग। कोई नहीं है पंजाब में बिल्कुल भी बेस्ट? देखो 1-2% तो हो जाती है, 10% तो खुद कहने नहीं। राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा? माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं, आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। और अब बात 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर छिड़े घमासान की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा हालात में परीक्षा कराना ठीक नहीं है, परीक्षा टालने से परिणाम देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसीलिए परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए, छात्रों को अंक देने का कोई और तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। 300 से ज्यादा छात्रों ने भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को परीक्षा के फिजिकल संचालन के प्रस्ताव को रद्द करने और पिछले साल की तरह एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना देने के लिए चिट्ठी लिखी है। अनिशा माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिशा, ये 300 छात्रों ने जिस तरह की अर्जी चीफ जस्टिस के सामने लगाई है उसमें उनके मुद्दे और दलीलें एक तरफ, लेकिन अगर 44 दिन में जिस तरह से सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो यकीनन ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। देखिए नेहा, बहुत सारे मीनाक्षी बोल रही हूँ अनिशा स्टूडियो से, बहुत सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस इशू पर। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील की याचिका है, एक तरफ ये छात्रों की रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ कुछ टीचर्स की तरफ से ये याचिका भी लगाई गई है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो आगे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर ये सवाल उठेगा कि उनके मार्क्स किस तरह से दिए गए, और क्योंकि 12वीं का एग्जाम जो है आगे की पढ़ाई के लिए
कॉलेज की एप्लीकेशन के लिए, बाहर कहीं पढ़ने जाने की एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो छात्रों का इस वक्त क्या किस तरह से उनका फ्यूचर मैनेज होगा? अब ये सभी बातें जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर की पीठ के सामने सुनी जाएंगी, सरकार की तरफ से भी जवाब या कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार ने, याद रखिएगा नेहा, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो 12वीं की परीक्षा का क्या करेंगे। पिछले साल ऑफकोर्स परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इतनी ज्यादा केसेस बढ़े जा रहे थे, लॉकडाउन में थी, लॉकडाउन मतलब जी। मीनाक्षी शुक्रिया अनिशा इस जानकारी के लिए आपका।